कॉलेज ऑफिस पढ़ना होता है, काम करना होता है, तब सुस्ती आती है। खाने से अच्छे, सेक्स से, अल्कोहल से, यूजुअली 70-80% लोगों का लो इन मोटिवेशन, लो ऑफ इंटरेस्ट, तीनों चीजें क्या करती है, आपको लेजी बना। नाउ मेरा भाई जो पीछे है, मैं, वी आर टेस्टेड कोविड पॉजिटिव। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज कैरन एजिंगरे और ऑन द फॉर्मल एडिट। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसका नाम है आलस, लेजीनेस। अगर कभी कभी वीकेंड्स पे हो जाए, ज्यादा काम कर ले, होता है, दैट्स नॉर्मल, वो सबके साथ होता है। लेकिन अगर वो आपके रूटीन का पार्ट बन जाए और आपके गोल को अचीव करने से रोके वो आलस, तो वो एक बीमारी है। अगर आपके साथ भी वो होता है, पूरे दिन उवासी, सुस्ती और बहुत सारी चीजें अचीव करने से आपको रोकता है, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लेजीनेस समझाने के लिए बेस्ट फिनोमिना है, इसको कहते हैं LGE, ट्राइंगल लाइफस्टाइल, जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट। लाइफस्टाइल मतलब आपकी दिनचर्या कैसी है, आप खाना कैसे खाते हैं, डाइट कैसी रहती है, आप सोते कब हैं, कितना सोते हैं, स्ट्रेस कैसे लेते हैं, आपका नेचर ऑफ वर्क क्या है। उसके बाद आता है जेनेटिक्स, जैसे आपको माता पिता से नाक कान सुंदरता मिलती है और बहुत चीजें मिलती है, आपकी लाइकिंग्स वगैरह, वैसे डोपामिन रिसेप्टर्स भी मिलते हैं। डोपामिन कई लोगों का ऊपर होता है, हुटता है खाने से अच्छे, सेक्स से, अल्कोहल से, यूजुअली 70-80% लोगों का इसी से उठता है। लेकिन कई लोगों को वर्क एथिक भी मिलता है, साथ साथ कई लोगों को थोड़ी सुस्ती भी मिलती है जेनेटिक्स से, बट नॉट इन एवरी केस। उसके बाद एनवायरनमेंट आता है, एनवायरनमेंट मतलब जैसी आपकी संगत, आप वैसे बनते हैं। हमारे पूर्वज कहते थे वैसे ही, आपको अगर समझा दूं, अगर आपकी कंपनी ऐसी जहां मोटिवेशन नहीं है, जहां पे बिल्कुल दारू पीने वाले दोस्त, उनका क्या मतलब है, उनका गोल क्या है, एक घंटा काम करा रात को दारू पीनी है, वहां लेजी हो जाते हैं। सेम वेज आप भी वैसे हो जाएंगे अगर आपकी संगत वैसी है। अब इस लेजीनेस के ट्रायंगल से बाहर कैसे निकले, नंबर 1 इज योर डाइट। डाइट इज की फॉर एवरीथिंग। अब डाइट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको अवॉइड करना है रिफाइंड कार्ब से चीज बनी हुई, ज्यादा हाई फैट फूड, शुगर फूड्स, बेसिकली वो चीजें जो आपका ब्लड शुगर लेवल इंस्टेंटली स्पाइक करता है, जैसे कि आपका पिज्जा, पास्ता, छोले भटूरे, लस्सी का कॉम्बिनेशन, समझ आ गया बॉडी को कैसे स्लो कर देता है वो, और वैसे ही आपके माइंड और बॉडी को स्लो करता है, लेजी करता है आपको। क्रीम वाले बिस्किट हो गए, डोसा हो गया, पराठे घी वाले, ये पूरी लिस्ट आपको अवॉइड करनी है। आपको क्या डालना है अगर आपको एक्टिव रहना है, जैसे कि कोकोनट वाटर, पानी ज्यादा पीना है आपको, ओट मील डाल सकते हैं, बनाना, मौसमी, और ये पूरी लिस्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ही ढूंढा गया है। अगर आपने कुछ ज्यादा खा लिया है, देयर समथिंग कमिंग अप जो इंपॉर्टेंट है, बहुत सुस्ती आ रही हो, देयर अ टिप, आप क्या कर सकते हैं, आप 2 ग्लास गर्म पानी पी सकते हैं 15-20 मिनट के ऑब्वियसली गैप के बाद, उसके बाद आप नींबू डाल सकते हैं, जस्ट वॉक फॉर 5 मिनट्स। अनरियलिस्टिक गोल्स को सेट करना, उससे क्या होता है, कई लोग बहुत खराब होते हैं मैनेजमेंट में, एक दिन पूरा आराम करेंगे, अगले दिन बोलेंगे कल सारा कर लूंगा, कल 20 काम छोड़ दिए अपने लिए, उस टाइम क्या हुआ, अब इकट्ठा सारा इतना पैनिक हो गया, 20 काम है वो मैनेज नहीं हो रहा, उससे मेंटली आपने अपने आपको एग्जॉस्ट कर लिया, जब हो नहीं रहा तो लो इन मोटिवेशन, लो ऑफ इंटरेस्ट, तीनों चीजें क्या करती है, आपको लेजी बनाती है। डू वॉट यू लव टू डू, या पैशन, आपने बोला होगा मैंने बहुत मोटिवेशनल कोट्स में ये सुना है और ये मूवीज में देख लिया, तू मत बता, आई नो, बट ये चीज सच है, ऐसा क्यों, मैं आपको एग्जांपल देके आपको प्रूव करता हूँ। अगर रात को किसी नई लड़की से बात होने लग जाए, रात को 1:30-2 बजे, आप उसको इंस्टेंटली रिप्लाई करेंगे तब सुस्ती नहीं आती, जब आपको गेम खेलनी होती है, आंखें जल रही होती है 1.5 घंटे तक लगातार, तब आपको सुस्ती नहीं आती। लेकिन अगर आपको कॉलेज, ऑफिस पढ़ना होता है, काम करना होता है, तब सुस्ती आती है। क्यों? क्योंकि इंडिया या कहीं पे भी यूजुअली लोग काम करते हैं, वो करते हैं सिर्फ काम करने के लिए, ड्यूटी पूरी करने के लिए, दे नेवर डू व्हाट दे लव टू डू। अगर आप वो काम करिए, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, समझाता हूँ। राइट नाउ मेरा भाई जो पीछे है, मैं, वी आर टेस्टेड कोविड पॉजिटिव, पूरी फैमिली, आई एम शूटिंग राइट नाउ। अगर मैं लॉयर था, मैं पहले जो जॉब कर रहा होता, मुझे कोविड पॉजिटिव में कोई बोल देता ये काम करने के लिए, अपनी ड्यूटी कर पूरी, उस टाइम मैं नहीं करता। राइट नाउ आई एम डूइंग बिकॉज दिस इज माई पैशन, सो ऑलवेज फॉलो योर पैशन, सुस्ती आपको नहीं आएगी। यू कैन मेक योर वर्क फन इफ यू आर क्रिएटिव। फॉर एग्जाम्पल, मम्मी बोलती है अगर आपको रूम क्लीन कर दो, वेयर हेडफोन्स, मस्ती में डू इट, परेशान होकर मत करिए। अगर आपको कोई चैप्टर पढ़ना है, आजकल सब कुछ ऑनलाइन आ गया, अगर बहुत बोर हो गया बुक से, गो टू ऑनलाइन, यूट्यूब पे समरीज मिलती है आजकल बहुत ईजिली, आजकल जमाना चेंज हो गया, मेरे वाला नहीं रह गया, सो येस यू कैन चेंज इट वेरी इजिली। उसके बाद क्या, फिजिकल एक्टिविटी इज अ प्रूवन फैक्ट, 20-25 मिनट अगर आप रखते हैं दिन के अंदर, यू विल बी एक्टिव, आपका मूड सैड नहीं रहेगा, एंड येस आप बिल्कुल लेजी नहीं होंगे, चाहे वर्कआउट हो, स्ट्रेचिंग हो, योगा हो, किसी भी टाइप का उट हो, इट विल मेक यू वेरी एक्टिव। लैक ऑफ विटामिन्स का आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट रोल है आपकी हेल्थ के लिए, लेकिन स्पेसिफिक विटामिन्स और लेजीनेस का एक कनेक्शन है, वो कौन से हैं, विटामिन B12 एंड D3। ऐसा क्यों, क्योंकि लेजीनेस कुड बी एसोसिएटेड विद सम साइकोलॉजिकल इश्यूज ऑल्सो, क्योंकि कभी किसी को कुछ ज्यादा लेजीनेस होती है, कोई प्रॉब्लम होती है साइकोलॉजिकल, तो कभी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो सबसे पहले जो टेस्ट बोले जाते हैं वो विटामिन B12 और D3 के होते हैं, क्योंकि उससे जल्दी थकान होती है और लेजीनेस ज्यादा होती है। अगर आपकी डाइट सब कुछ अच्छा चल रहा है तब भी हो रही है, तो आप एक बार इसका टेस्ट करा सकते हैं, नहीं तो अगर आपको टेस्ट नहीं बिलीव करते ये सब नहीं, तो विटामिन B12 एंड D3 की फूड की लिस्ट है, आप ये इंक्रीज करके इसको नेचुरली घर पे बढ़ा सकते हैं।
एक्टिव लाइफस्टाइल के रूल SWM स्लीप मतलब 7-8 घंटे की तोड़ तोड़ के नहीं सोना और नेचर टाइम पे सोना है। W मतलब वाटर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3-4 लीटर किक स्टार्ट करना है एनर्जी से डे तो 1 लीटर सुबह आपको पीना है और ठंडा अवॉइड करना है आपको। और उसके बाद MM का मतलब आपको हैवी मील्स इकट्ठी, आपको बताया था जंक फूड वाली नहीं खानी। और स्पेशली रात को सोने से पहले अगर आप नोटिस करें ज्यादा हैवी खा ले अगले दिन आपका स्टार्टिंग जो देगी बहुत सुस्त होती है, तो 2 या 1.5 घंटे पहले आप मील खत्म करते हैं। साफ सफाई और गंद से बहुत फर्क पड़ता है आपकी लेजीनेस का। अगर आप गंदे हैं, आप नहाए नहीं 1-2 दिन से, अगर आपके बालों में खुजली हो रही है, गंदे कपड़े पहने हुए हैं, तो आप खुद सोचेंगे बहुत सुस्ती आती है, आप नोटिस करा होगा। लेकिन एकदम से अगर आप नहा लें, कपड़े चेंज कर लें, आसपास खुशबू हो या अगरबत्ती कोई भी हर्बल ऑयल की कैसी भी खुशबू हो, उससे एनवायरमेंट से बहुत फर्क पड़ता है। आप एकदम से फ्रेशन अप लगते हैं, आप चार्ज हो जाते हैं। स्मोकिंग क्या करता है आपको उस टाइम निकोटीन क्या करता है एकदम बूस्ट करता है, एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन क्या वो बिल्कुल नीचे डाउन मारता है, थोड़ी देर बाद आपको वापस क्रेविंग होती है तो आदत हो जाती है, दैट्स नॉट गुड। और अल्कोहल आपको पता है हैंगओवर से बहुत बड़ा एग्जांपल है, नेक्स्ट डे आपका वेस्ट भी होता है और बहुत लेजी भी। अगर एक बंदे को सुस्त नहीं रहना उसके लिए आपको अंदर से मोटिवेशन चाहिए। अगर अंदर से मोटिवेशन आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, स्मार्ट स्केड्यूलिंग 3 चीजों की। पहला आपको वर्क 10-15 काम नहीं करने, अच्छे से करिए, प्रॉपरली करिए, 4-5 काम करिए, कंप्लीट करेंगे मोटिवेशन आएगी। उसके अलावा मील्स को प्लान करिए, मील्स का स्केड्यूल कैसे करेंगे, साथ में कैरी करिए या जो भी आपको देता है वो टाइम पे खाइए, ज्यादा गैप बढ़ाएंगे भूख ज्यादा बढ़ेगी, यू एंड अप ईटिंग जंक, ज्यादा कैलोरीज खाएंगे तो पूरे सुस्त हो जाएंगे या ज्यादा हैवी मील्स खाएंगे। उसके अलावा क्या, उसके अलावा आपको वर्कआउट शेड्यूल करना है दिन में, पहली चीज करिए, नहीं तो कोई काम बीच में आ जाता है उससे आप डिले कर देते हैं, छोड़ देते हैं वर्कआउट। तो 15 से 20 मिनट या 25 मिनट करिए, लेकिन किक स्टार्ट योर डे विद अ वर्कआउट। अब ये 3 ड्रिंक्स के बारे में बात करेंगे जो आपको हाइड्रेट भी रखेंगे, आपका डाइजेशन भी अच्छे रहेंगे और आपको समर में एक्टिव रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे पहला है आपके लिए कोकोनट एंड लेमन की ड्रिंक, ये रही रेसिपी। उसके बाद है आपकी क्यूक्यूम्बर एंड लेमन रेसिपी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका एक वेजिटेबल जूस जो ईजी है बनाना। ये सब कुछ था दोस्तों हाउ यू कैन बी एक्टिव एंड अवॉइड दैट लेजीनेस। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट मत करना भूलना। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब।